वैसे तो सूरज एक बिजनेसमैन था, वो बिजनेस उसका सपना था। उसने वो बिजनेस खड़ा करने के लिए काफी मेहनत और काफी कर्जा भी लिया था। सूरज की एक बीवी थी जिससे वो प्यार तो करता था, पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके बारे में उसकी बीवी को भनक भी नहीं थी। हर रोज की तरह सूरज अपने ऑफिस जाने के लिए निकला। बारिश में मुंबई एकदम भीग सा जाता है। सूरज की गाड़ी आज एक हफ्ते के बाद गैराज से सर्विस होके आई थी। उस एक हफ्ते में सूरज अपने गाड़ी के रेडियो को बड़ा मिस कर रहा था। उसने गाड़ी का रेडियो चालू किया और रेडियो से आवाज आई, मुंबई की बारिश क्या मस्त हो रही है, मौसम एकदम रोमांटिक हो गया है। अगर डेट पे जाना है तो यही सही वक्त है बीड़ू। बाहर मौसम देखते हुए, रेडियो पर बात सुनते हुए सूरज ने मन ही मन सोचा कि काश रेडियो पर वो वाला गाना बजता, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई। तभी रेडियो पर आवाज आई, तो अभी इस हसीन मौसम को हसीन बनाने के लिए पेशक लगाना जो है नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। मजे लीजिए आप इस गाने का, तब तक मैं आता हूँ। सूरज को एकदम खुशी हुई क्योंकि उसने जो सोचा था वही गाना अब रेडियो पर बज रहा था। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। रास्ता गीला होने के कारण गाड़ियां रास्ते पर धीरे से चल रही थी। आगे गाड़ियों की भीड़ से सूरज को पता चल गया था कि आज देरी होने वाली है। तभी रेडियो से आवाज आई, क्या हुआ मुंबई पब्लिक, ट्रैफिक जैम में फंस गए हो क्या? मेरी बात सुनो, सावरकर रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो एक काम करना, फड़के रोड से निकल जाना, जल्दी पहुंच जाओगे। रेडियो पर सुन के सूरज ने अपनी गाड़ी फड़के रोड की तरफ निकाल ली। वहां सच में कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। उसने मन ही मन रेडियो को धन्यवाद दिया और अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में पूरा दिन काट कर अब शाम का वक्त था। सूरज अपने घर जा रहा था। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। आज उसकी बीवी वर्षा का जन्मदिन था और वो लेट नहीं होना चाहता था। उसने गाड़ी की स्पीड के साथ रेडियो की आवाज भी बढ़ा दी, हेलो दोस्तों, आज अपने साथ एक मैडम है, बोले तो एकदम राक्षिक मैडम, तो मैडम बोलिए क्या समस्या है आपकी। रेडियो पे एक आवाज आई, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे पति ने हमेशा की तरह मुझे अभी तक भी विश नहीं किया है, पर आज के दिन वो अगर जल्दी घर आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यह आवाज सूरज की बीवी वर्षा की थी जिसका आज जन्मदिन था। सूरज घर पहुंचा और जन्मदिन की बधाई देने के बाद वो वर्षा से बोला, रेडियो पर तुम्हारी आवाज सुनी, अरे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी आवाज सुन के, क्यों ना तुम भी यार खुद का एक रेडियो चैनल चालू कर दो। ये सुनकर वर्षा बोली, एक तो तुमने सुबह से मेरे से बात नहीं की, ना ही मुझे विश किया, और अभी झूठ बोलकर मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो। झूठ ना बोला करो मेरे सामने। ये पहली बार था जब सूरज को बहुत अजीब लगा। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो जो सोचता है, जो चाहता है या जो भी उसके दिमाग में होता है वही चीज रेडियो पर भी होने लगती है। पर उसने थोड़े समय बाद वो बात दिमाग से निकाल दी और सोचा, ऐसा थोड़े ना होता है, वो एक रेडियो ही तो है। अगले दिन शुक्रवार था। सूरज ऑफिस से जल्दी निकला क्योंकि आज उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड वीणा भी थी। वीणा जैसे ही उसके गाड़ी में बैठी, सूरज ने अपने गाड़ी का रेडियो चालू किया और गाड़ी चलाने लगा। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, तो फिर आज गर्लफ्रेंड के साथ हो गए ना, वैसे भी आज फ्राइडे नाइट है, एंजॉय कर लो। पर हाँ, अगर बीवी होते हुए भी आप अगर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो थोड़ा बच के ही रहना, कहीं उसे पता ना चल जाए। और हाँ, दारू पी के कभी गाड़ी मत चलाना, वरना भारी चालान काटना पड़ेगा। रेडियो पर वो बात सुनकर सूरज के चेहरे का रंग उड़ सा गया। सूरज ने सोचा कि वो तो अकेला थोड़ी है इस दुनिया में जो अपने बीवी को धोखा दे रहा है। देर रात तक पार्टी करने के बाद सूरज ने अपने गर्लफ्रेंड को घर पर छोड़ा और अपने घर जाने के लिए निकल चला। तभी सामने के मोड़ पर सूरज ने जैसे ही कार टर्न की, ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। अब सूरज जरा घबरा सा गया कि लो अब आफत आ गई। सूरज को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में गिरफ्त में ले लिया गया और सुबह तक पुलिस थाने में ही रखा गया, मगर आफत तो अभी आनी बाकी थी। सुबह जब वो चालान काट के अपनी गाड़ी में बैठा
उसने अपना रेडियो चालू किया और घर की ओर निकल चला। तो मुंबई फ्राइडे नाइट को धूम मचा लिया पूरा। बोला था मैं कि दारू पी के मत चलाना गाड़ी, लेकिन सुनते कहाँ हो, कल पूरे मुंबई में 300 केसेस पुलिस ने पकड़े। बात ही नहीं सुनते तुम मेरी। जैसे ही सूरज अपने घर गया तो उसकी बीवी हॉल में बैठी थी, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। बीवी के हाथ में कुछ तस्वीरें थी और बाजू में एक वकील भी खड़ा था। वर्षा को सूरज से तलाक चाहिए था। उसने तलाक के कागज के साथ एक ओली मनी की भी मांग की थी। गुस्से में सूरज वापस घर से निकल गया और अपनी कार चलाते हुए रोड ड्राइव पे निकल पूरे रास्ते वो बस सोच रहा था, ओली मनी लेगी वो भी मुझसे, एक से एक बड़े वकील खड़े कर दूंगा, दिखा दूंगा उसे कि पूरा भिखारी हो गया हूँ, सड़क पे आ गया हूँ पर उसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी। तभी रेडियो बज उठा। हम लोग कभी कभी दूसरों के साथ बहुत बुरा करते हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में, है ना, मगर कभी सामने वाले का बुरा मत करो, क्योंकि कुछ कुछ अपनी खुद की बातें भी सच होती है, और जब वही बुरी बातें घूम कर आती है तो फिर। यही बात सुनते सुनते आखिर सूरज भी अपने ऑफिस पहुंच गया। सूरज ऑफिस पहुंच अपनी टेबल पे सर झुकाकर बैठा ही था कि कुछ ही देरी बाद सूरज के सामने बैंक के कुछ लोग आ गए। उन लोगों ने बताया कि सूरज ने जो लोन लिया था अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, उसकी 6 महीनों से EMI नहीं भरी है और इसीलिए अपना सारा पैसा रिकवर करने के लिए बैंक ने रातों रात सूरज का बिजनेस और प्रॉपर्टी जब्त कर ली। अपना कर्जा चुकाने में सूरज का सब कुछ नीलाम हो चुका था। अब ना उसके पास बड़े से बड़े वकील करने के पैसे ही बचे थे, उसके पास बची थी अपनी जिंदगी और सिर्फ एक गाड़ी। सूरज की बीवी तो उसे पहले ही छोड़ गई थी, ऑफिस और घर भी अब जा चुके थे। जब वो हताश हो अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया तो उसके घर पर भी ताला लगा था। पड़ोसी से पूछने के बाद पता चला कि वीणा तो आज अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ दूसरे शहर गई है और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है। सूरज ने समझते हुए देरी नहीं की कि वो बेस्ट फ्रेंड भी वीणा का ही कोई छुपा हुआ बॉयफ्रेंड रहा होगा। हताश और हर जगह से ठुकराया गया सूरज अपनी गाड़ी में बैठा और रेडियो चालू किया। हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए रहता है जिससे कि वो कभी कभी अपने दिल की बात कर सकता हो। अगर आप भी अकेले हो, निराश हो तो डरिए मत, मेरे साथ मेरे ऑफिस आइए और हम दोनों मिलके खूब सारी बातें करेंगे। और हाँ, आपको मेरा ऑफिस तो पता ही है। उसके कुछ दिनों बाद सूरज उदास सा टूट चुका था। उसको कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। वो चुपचाप किसी चाय की टपरी पर बैठा था। तकरीबन 2-3 दिन से उसने रेडियो भी नहीं सुना था। तभी उसे रेडियो वाले की बात याद आई कि उसने टूट चुके हार चुके लोगों से मिलकर ढेर सारी बातें करने को कहा था और उसके थोड़ी ही देर बाद सूरज अपनी चाय ख़त्म कर उस रेडियो वाले के ऑफिस जा पहुंचा। उसे उस रेडियो वाले से मिलना था, बहुत सारी अपने दिल की बातें करनी थी उसे। मगर जब वो रिसेप्शन पे पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने सूरज से उस रेडियो जोके का नाम पूछा तो सूरज थोड़ा परेशान सा हो गया। वो अपने दिमाग पे जोर डालने लगा कि इतने दिनों से वो जिसे रेडियो पे सुनता था उसने तो कभी भी रेडियो पे अपना नाम ही नहीं लिया था। सूरज ने फिर भी रिसेप्शनिस्ट को समझाया कि मैं एक व्यक्ति को रेडियो पर सुनता हूँ और मुंबई के लिए रोज उसका रेडियो पॉडकास्ट आता है सुबह और शाम तक। काफ़ी समझाने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने सूरज की मुलाकात रेडियो हाउस के डायरेक्टर से करवा दी। सूरज ने उन्हें सब बता दिया कि सुबह ऑफिस जाते वक्त और शाम को ऑफिस से घर आते वक्त वो एक ही आदमी को रेडियो पर सुनता था। वो जब भी रेडियो चालू करता था उसी रेडियो के आदमी की आवाज़ सुनता था। रेडियो हाउस के डायरेक्टर ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है, किसी भी रेडियो प्रोग्राम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे रुकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा शो या फिर कोई आदमी नहीं है जो ऐसा करता हो। हड़बड़ाहट में हार मान सूरज रेडियो ऑफिस से बाहर निकला और गाड़ी निकाल ही रहा था कि पार्किंग वाले से उसका झगड़ा हो गया। सूरज के पास पार्किंग के पैसे नहीं थे, ना ही उसने पर्ची ली थी। वो तो बस 10 मिनट के काम के लिए गया था और पार्किंग वाला उससे डायरेक्ट 100 रुपये मांग रहा था। सूरज गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर रास्ते पर निकल चला और मन ही मन सोचने लगा कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। जहाँ सब सही चल रहा था वहाँ मैं कितना बर्बाद हो गया। बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, घर, बिजनेस सब खत्म।
देखते ही देखते सब खत्म। इतनी सारी परेशानी में जीने से अच्छा मैं मर क्यों नहीं जाता। तभी रेडियो में स्टैटिक के साथ वही आदमी बोलने लगा, तो फिर एक बार आपका अपना चहेता दोस्त आरजे विजय वापस आ गया है आपकी मन की बात को सुनकर सर्च करने के लिए, तो तैयार हूं मुंबई। सूरज ये सब सुन ही रहा था तभी सूरज की कार के आगे अचानक एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया और इससे पहले कि सूरज संभल पाता सूरज की कार का एक बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें सूरज की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और फिर से एक स्टैटिक की आवाज आई, तो क्या हाल, बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे, तैयार रहिए क्योंकि अगली बारी आपकी है।